नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बेलबाग थाना अंतर्गत रहने वाला एक परिवार क्षेत्र की दबंग महिला से खासा परेशान है। इन लोगों ने बताया कि उक्त महिला अवैध गतिविधियों में लिप्त रहती है, जिसको रिटायर्ड हो चुका पुलिसकर्मी राजघर शर्मा उक्त महिला को पूरा संरक्षण दिए हुए है। रोजाना ही महिला द्वारा शराबियों का जमावड़ा कर लिया जाता है, जो इनके घर पर शराब की बोतलें फेंक कर हंगामा करते हैं। वहीं अगर इनका विरोध किया जाए तो महिला तुरंत ही थाने पहुंचकर उनके परिवार के सदस्यों को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास करती है। वहीं दूसरी तरफ उसको सहयोग करने वाला रिटायर्ड पुलिसकर्मी राजभर शर्मा भी लगातार इनको परेशान कर रहा है और इन लोगों को खुद झूठे मामले में फंसाने की धमकियां दे रहा है। इन लोगों की लगातार प्रताड़ना से त्रस्त होकर आज परिवार के सदस्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उक्त महिला सहित रिटायर्ड पुलिसकर्मी की शिकायत करते हुए उनकी प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 69 जबलपुर। और वो है ना, बाहर से लड़के बुलवा के दारू पी के और हम लोग के साथ गाली गलौज गलत काम करवाती है। और रात के 12-1 बजे वो हमारे घर में दारू की बॉटलें फेंकते हैं, गाली बकते हैं, जुआ खिलवाती है। वो लेडीज हमेशा गलत काम करती है। और राजधर वर्मा जो है वो उसका सपोर्ट करता है पूरा, क्योंकि वो रिटायरमेंट पुलिस कर्मी है। कौन से थाने का है वो? कौनसी थाने पता नहीं कहाँ का था, हम लोग को तो नहीं पता है, लेकिन वो रिटायरमेंट है और हमारे बच्चों को फंसाने की धमकी देता है। कहीं हम लोग के बच्चों को बहुत ही बड़े बड़े और कुछ भी करके थाने में चली जाती है और हम लोग के बच्चों को फंसा देती है। पहले भी ये करती और रात में भी वो क्या करती है, लड़के बुलवा हमारे बच्चों को इशारा करके बुलाती, जब बच्चे नहीं जाते तो गाली गलौज करती, मारपीट में उतारू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी मोगरे है। बेलबाग थाने के सामने पुलिस क्वार्टर के पीछे रहते। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।